हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थेल्स थ्योरम पर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम थेल्स थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ गए हैं, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल हमें दिया गया है, ये इसमें डी ई लाइन पैरेलल टू बी सी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। थेल्स थ्योरम हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब एक लाइन किसी एक भुजा के समांतर हो। तो यहाँ समांतर दी गई है और ये पार्टीशंस की वैल्यूज भी हमें पता है, 3c, 4c, 6cm एंड ec हमें निकालना है। तो अप्लाई कर सकते हैं हम थेल्स थ्योरम, क्योंकि लाइन हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है पैरेलल की। सो इट विल बी 3c अपॉन 4c विल बी इक्वल टू 6 अपॉन, और इसको जो मिसिंग है इसको हम क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, c से c कट गया, अब सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इज इक्वल टू 6 into 4। एंड अगले स्टेप में आप x को यहीं छोड़ेंगे, 3 को डिवीजन में ले जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 8 cm, आंसर इज c। नेक्स्ट देखिए, अगेन DE इज पैरेलल टू AB, ट्राइंगल देखिए इस तरीके से बना हुआ है, फाइंड x। तो ये भी बेटा इस तरीके के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज नहीं होना, रूल हमारा वही है, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, है ना। किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपको ये लिखना है 3x प्लस 19 अपॉन x प्लस 3, इसके बटे में इसको लिखा तो इसके बटे में भी इसको लिखेंगे, किसके इक्वल होगा ये, 3x प्लस 4 अपॉन x, है ना। बहुत पेशेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, तो ये क्या बन गया, x इंटू 3x प्लस 19 बीच में इक्वल, फिर दो टर्म्स हैं ब्रैकेट में डालेंगे, 3x प्लस 4। सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 19x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12। देखिए 3x स्क्वायर कट गया दोनों जगह से, 19 में से 13 गए, 6x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, अगेन दिस बाय दिस पैरेलल है लाइन, है ना, फटाफट आपने चेक करना है, और इसको x मानते हुए बहुत जल्दी MCQ करना है ना हमें अब की बार। सो इट विल बी 1.8 अपॉन 5.4। तो देखिए बेटा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, एक ही पॉइंट है क्योंकि दोनों के बाद, तो ये क्या रहेगा, 1/3। तो x इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 3, इट विल बी 2.4 cm। नेक्स्ट आपको अपने आप करना है इसी तरीके का क्वेश्चन। देखिए ये आपको जिस तरीके से अभी हमने सीखा है अपने आप करेंगे आप। ये क्वेश्चन भी सेम, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसे करके आप x की वैल्यू निकालेंगे। नाउ फाइंड xy, इस क्वेश्चन में एक x मिसिंग है एक y मिसिंग है। तो बेटा जब हम y के लिए कंडीशन लगाएंगे तो हमें पता है इसके बटा में ये बराबर है दिस बाय दिस, तो पहले y निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/, और इसमें साथ में ये कंडीशन भी है, BC इज पैरेलल टू DE, ये दिया है हमें ना, एंड देन वी विल अप्लाई थेल्स थ्योरम, 4/y विल बी इक्वल टू 3/5। बहुत इजी है, y विल बी इक्वल टू 4 into 5 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा, 20/3 cm। ठीक है, अब हम देखते हैं x के लिए। तो बेटा जब इसके बटे में इसका तो इक्वल होता है ये बाय ये, है ना, लेकिन जब ये साइड आप निकालते हो तो हमें पूरा टोटल लेना पड़ता है इस साइड का। थेल्स थ्योरम हमने सीखा भी था, ये साइड क्या है, पूरा इस साइड का टोटल जितना, ठीक है। तो जब हम इस साइड को कैलकुलेट करेंगे तो हमें किसी भी एक साइड का टोटल निकालना पड़ेगा, तब हम ये साइड निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, दैट मीन्स अगर मैं इधर से काउंट करूं, 3/, इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 8, है ना, वो किसके बराबर होगा, 6/x के।
क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, एक छोटे त्रिभुज की भुजा हम लेते हैं और एक बड़े त्रिभुज की भुजा, तो छोटे की अगर 3 ली है तो बड़े की कितनी हो गई इसके साथ 8, ऐसे ही अगर छोटे की 6 लेंगे तो बड़े की x लेंगे, है ना। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान रखना है इसका। तो ये बन जाएगा 6 × 8/3, दैट मीन्स 16 cm। यहां देखिए ये दोनों रेशो आपस में इक्वल थे, है ना, इसमें हमें टोटल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब भी आपसे बेस लाइन का मेजरमेंट पूछा जाएगा या इसके करस्पॉन्डिंग ये पूछा जाएगा तब हम टोटल के साथ कैलकुलेट करेंगे। समझिए इस बात को और डिफरेंस को अडॉप्ट कीजिए बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट है, ये लाइन हमें देखनी है, इसने कुछ नहीं दिया गया हमें कि ये पैरेलल है या नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। और कैसे एंगल है, ये संगत कोण है, तो संगत कोण है इसका मतलब ये लाइन भी पैरेलल हो गई इसके, इसका मतलब है पी एन इज पैरेलल टू एल एम, है ना। अब हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी इसके साथ इसको देखोगे तो हमें इधर और टोटल लेना पड़ेगा, तो x by a will be equal to एक छोटे त्रिभुज की भुजा c और पूरा बड़ा कितना बन गया इसका टोटल b plus c, दिख रहा है ना आपको। देखिए ये छोटे त्रिभुज की भुजा x, इस वाले छोटे त्रिभुज की x, फिर बड़े की a, तो x के साथ a लिया है। अब इसमें छोटे की कौन सी है c और बड़े की कौन सी बन जाएगी b plus c, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब x पूछा है हमसे, x को यही रहन देंगे, a इसके साथ चला जाएगा, ac upon b plus c, very important question, so answer is b। next देखिए PS upon SQ, PS ये है बेटा, SQ है, ये 3/5 का रेशो दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये 3 है ये 5 है मान लीजिए। अब PR पूरा कितना दिया हुआ है आपको 28, और निकालना क्या है PT, ये निकालना है ना। तो जब इधर पूरे का रेशो दिया गया है तो इसका मतलब इधर भी मैं पूरे का कैलकुलेट करके चलूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी 3/ इसका टोटल कितना है बेटा 8, और इसको अगर x मान ले तो x के नीचे भी इसका टोटल लिख देंगे जो कि हमें दिया गया है 28। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान से समझ लेना है। अब देखिए क्योंकि इसने टोटल दिया हुआ था हमें, तो मैंने भी इस साइड का टोटल ही इसके नीचे रखा, है ना, 3/8, 3/5 नहीं लिया मैंने अब की बार, क्योंकि मुझे ये साइड तो पता ही नहीं है ये वाली, इसका मुझे टोटल पता है, तो मैंने भी इधर इसका टोटल करके ऐसे रेशो बना लिया। अब एक्स निकाल लीजिए सिंपल, 3 × 28/8 इक्वल टू एक्स, कट जाएगा 21/2, दैट इज 10.5 cm, आंसर इज बी। अपने आप करना है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम, केपी अपॉन पी एम इज 4/13 दिया हुआ है, इस साइड का आपको टोटल दिया हुआ है और आपको के क्यू निकालना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, तो पहले लिख लेते हैं ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो कौन कौन सी रेशो सेम बनेंगे, ए बी के साथ आपकी जाएगी पी क्यू, विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, एंड दिस AC will be equal to PR। अब वैल्यूज रख देते हैं जो जो हमें पता है, AB हमें पता है Z एंड PQ क्या है बेटा 3, BC आपके पास है 8 और QR कितना है 6, AC is 4√3 एंड PR is Y, हमें निकालना है y प्लस जेड, तो इसका मतलब पहले y भी निकालेंगे z भी निकालेंगे। देखिए इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा, तो z आ जाएगा 8/6 × 3 4 cm, है ना, ऐसे इसके साथ इसको कर दीजिए तो y कितना आ जाएगा 4√3 × 6/8,
चार से चार कट गया, ये बच गया 3√3। अब वाई और जेड दोनों मुझे पता चल गए, तो वाई प्लस जेड इज 3√3 + 4, है ना। इसको अनलाइक टर्म्स है, हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगेन दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। कौन कौन सी साइड्स जाएंगे, ए बी बटा डी ई बराबर होगा बी सी बटा ई एफ एंड विल बी इक्वल टू ए सी बटा डी एफ, है ना। तो अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं, ए बी इज 2x-1, डी ई 18, बी सी 2x+2, ई एफ 3x+9, ए सी इज 3x एंड डी एफ 6x। अब बेटा इसमें से आप देखिए कि इस इन तीनों कंडीशंस में से हम कहीं कोई सी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए कौन सी है, ये वाली जिसमें x से x कट जाएगा और क्या रह जाएगा सीधा 1/2। इसका मतलब ये सारी टर्म्स भी जो है ना आपकी 1/2 के रेशो में है। तो अगर इसको सॉल्व करें 18 और ये 2x-1 जो कि ए बी है हमारी, तो अगर ये 18 है तो ऊपर वाली इसकी आधी है, अगर ये 2 है तो ऊपर 1 है ना, इसका मतलब नीचे वाला डबल है ऊपर वाले से। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 2x-1 कितना हो गया आपका, मेंटल मैथ से ही 9 हो गया ये, है ना, क्योंकि ये 18 का आधा है। तो x कितना आ गया आपके पास, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब उसने हमसे पूछा ए बी, ए बी क्या था बेटा, 2x-1, जिसको हम सीधा क्या निकाल चुके हैं, 9। तो ए बी का आंसर हो गया 9। सेकंड केस में वो पूछ रहा है ए सी बताइए, ए सी कितना है, ए सी हमारा 3x है। तो 3x, x की वैल्यू हम 5 निकाल चुके हैं, ए सी इज 3x, x की वैल्यू 5 है, तो ये बन गया 3 × 5, दैट इज 15 cm। आंसर इज सी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, समझना है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको इनको करने में। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।